सब्सक्राइब कर लो टेक्निकल असिस चैनल को और हिला दो इस घंटे को ताकि आप देख पाएं टेक वीडियो सबसे पहले। तो दोस्तों पेटीएम तो आप बहुत यूज़ ही करते होंगे, जैसे कि बिल पे करने के लिए, मोबाइल रिचार्ज करने के लिए या पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए। लेकिन आपने कभी सोचा है कि पेटीएम भी व्हाट्सएप की तरह काम करने लगेगा? हम पेटीएम से भी इमेजेस, मैसेजेस या फिर वीडियो शेयर करेंगे। तो आप ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए क्योंकि मैं आज आपको पेटीएम के इस न्यू फीचर्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ। हेलो एंड वेलकम, मैं हूँ आशीष, आप देख रहे हैं टेक्निकल आशीष। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे टेक्निकल असिस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पेटीएम की। पेटीएम ने व्हाट्सएप को कड़ी टक्कर देने के लिए अपना एक नया फीचर लॉन्च कर दिया गया है, जिसे कहते हैं पेटीएम इनबॉक्स फीचर। इस फीचर में आपको मिलता है, जो कि आप पहले सिर्फ पेमेंट ट्रांसफ़र या फिर रिचार्जेस या फिर बिल पे कुछ भी करते थे, और उसके साथ साथ आप फोटो शेयरिंग, मैसेजिंग, चैटिंग एंड वीडियो शेयरिंग भी आप अपने कर सकते हैं। लेकिन ये फीचर्स आपको अभी आईफोन में नहीं मिला है, केवल एंड्रॉयड के लिए एंड्रॉयड में ही इसका अपडेट आया। अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करते हैं तो जल्दी से आइए प्ले स्टोर पर अपने पेटीएम को अपडेट कर लीजिए, क्योंकि आईफोन यूज़र्स के लिए थोड़ी लेट हो सकते हैं या फिर थोड़ी देर बाद अपडेट आने वाला है आईफोन यूज़र्स के लिए। अब मैं बात करता हूँ ये कैसे लॉन्च हुआ। सबसे पहले बात करते हैं पेटीएम की, जो कि बहुत सालों से हमारे इंडिया में पॉपुलर है और जिसके दूसरा वर्जन कह सकते हैं कि नया वर्जन आने वाला है, जो कि व्हाट्सएप को कड़ी चुनौती देने वाला है कि मैसेजिंग में। हम लोग अब बात करते हैं पेटीएम की। पेटीएम से हम ज़्यादातर पैसा इंडिया में पेटीएम से ही ट्रांसफ़र किया जाता है, पेटीएम से ही लिया जाता है, पेटीएम से ही हम सब कुछ करते हैं, मोबाइल रिचार्जेस, बिल पे एंड टीवी रिचार्जेस, जितने भी रिचार्ज हो आप सब पेटीएम से ही करते हो। मैं भी पेटीएम ही यूज़ करता हूँ। लेकिन जो आपका आप मैसेज कर सकेंगे, चैटिंग कर सकेंगे, वीडियो भेज सकेंगे, तो आपको आप सोचेंगे कि कैसे होगी। देखिए, जब आप दोनों के पास, जैसे कि मेरे पास न्यू फीचर्स है इनबॉक्स वर्जन और आपके पास भी इनबॉक्स वर्जन है, तभी आप ये फीचर्स का मज़ा ले पाएंगे। और दूसरी बात, अब आप ये पूछेंगे कि पेटीएम में हमारा नंबर तो नहीं होता है, हम कौन सा नंबर डालेंगे? जो कि आपका पेटीएम में नंबर डाला हुआ है, बैंक से कनेक्टेड है, या जो पेटीएम में आपने नंबर डाला हुआ है, वही नंबर मैसेजिंग के थ्रू शुरू होगा। क्योंकि पेटीएम के चेयरमैन ने कहा है कि जो यूज़र्स हमारे पेटीएम के थे, उन्हें ट्रांजेक्शन के साथ साथ मैसेजिंग की भी ज़रूरत थी, क्योंकि जो जहाँ से पैसा आता था या पैसे जाता था, यूज़र्स को आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए मैसेज की ज़रूरत थी, जिससे वे दूसरे व्हाट्सएप पर जाते थे, मतलब दूसरे मैसेंजर ऐप यूज़ करते थे, जिससे कहते हैं व्हाट्सएप, हाइक वगैरह यूज़ करते थे चैटिंग के लिए। लेकिन अब चेयरमैन ने ये कह दिया है कि अब कोई भी यूज़र्स को बाहर नहीं जाना पड़ेगा और हमें जल्द से जल्द पेटीएम में इनबॉक्स फीचर मिल चुका है, और आप जाइए अपडेट कर लीजिए। अगर आपको मिलता है तो बताना ज़रूर मुझे कमेंट्स में कि कैसा काम करता है इनबॉक्स फीचर। लेकिन चेयरमैन का कहना भी है कि इंडिया में इस फीचर को थोड़ा ग्रो करने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है अभी कि वो इनबॉक्स फीचर को अपडेट करें। मतलब अपडेट तो कर लेंगे, लेकिन जो मोबाइल नंबर होगा वो कैसे चैटिंग करें? जब आप जाएंगे तो नीचे आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे और न्यू मैसेज पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरा सेम वर्जन वहीं पे मिल जाएगा, पूरा एक्सपीरियंस आपको पेटीएम का वहाँ मिल जाएगा। और यही था मेरा वीडियो बनाने का मोटिव, कि आपको पेटीएम के बारे में पूरी नॉलेज मिल गई होगी। और व्हाट्सएप भी अभी फीचर्स में लगा है कि जैसे पेटीएम ने निकाला है मैसेजिंग के थ्रू, अब वैसे ही व्हाट्सएप निकाला है पेमेंट के थ्रू। मतलब व्हाट्सएप सोचने में लगा हुआ है कि मैं भी एक पेमेंट ट्रांजैक्शन ऐप, मतलब एक फीचर डालें। जो व्हाट्सएप में नया फीचर आया है डिलीट फॉर मी या डिलीट फॉर एवरीवन के लिए, वो अभी नया फीचर है। लेकिन व्हाट्सएप में भी अब कुछ दिनों बाद आपको पैसे ट्रांजैक्शन कर सकेंगे व्हाट्सएप से, ये व्हाट्सएप का नया फीचर आने वाला है। लग सकता है कि थोड़ा टाइम लगे व्हाट्सएप को, जो कि पेटीएम ने अब ये कर दिखाया, व्हाट्सएप भी कुछ करेगा। पेटीएम के भी बिलियंस में यूज़र्स हैं और व्हाट्सएप के भी बिलियंस में यूज़र्स हैं, तो लगता है आपको पेटीएम और व्हाट्सएप के बारे में पूरी नॉलेज मिल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर इसको लाइक कर दीजिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा बताना मुझे कमेंट्स में, अगर आपकी कोई भी राय हो या मुझे से कोई सवाल हो तो बताइए मुझे कमेंट्स में, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और आप इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए कि आपके दोस्तों तक भी पहुंचनी चाहिए ये वीडियो इन्फॉर्मेशन, जो भी पेटीएम यूज़ करते हैं, तो आपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुँचा दीजिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।